वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में कैरेक्टर के फेस को एनिमेट करने की कोशिश की थी थ्रू मॉर्फ। आज की वीडियो में हम ये जो बाकी तीन टैब्स हैं, टेम्पलेट, ट्रांसफॉर्म और डीफॉर्म, इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सो, पहले हम टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे कि ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, देन ट्रांसफॉर्म एंड देन डीफॉर्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो टेम्पलेट का टैब है तो इसमें बने बनाए एक्सप्रेशंस हैं। अगेन आपने ये ऊपर से हेडिंग सेलेक्ट करनी है, सैड, फियर, एंग्री। तो इंसान के जो बेसिक इमोशंस होते हैं वो तकरीबन 6-7 ही होते हैं, लेकिन उसकी बाकी मज़ीद डिटेल्स होती हैं। एक बेबी जब फियर में होता है तो वो किस तरह का चेहरा बनाता है, और एक बूढ़ा मर्द कैसे बनाता है, तो उसकी मुख्तलिफ डिटेल्स हैं। तो ये ऊपर से आप हेडिंग, जो मेन हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आके ये जो है सैड वाला एक्सप्रेशन शो करे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो की फ्रेम जो है वो ऐड हो जाएगा। देखें, ये चेहरा बिल्कुल सैड हो चुका है। तो ये बने बनाए हैं, यहाँ पे बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वाला है, यहाँ पे जैसे जा रहा है आगे तो ये सैड हो रहा है। तो ये बने बनाए हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मतलब देखे हैं कि इंसान जब सैड होता है तो किस तरह का उसकी फीलिंग्स होती हैं। तो ये मतलब सैड के एक्सप्रेशन है। आप जिस इसके ऊपर भी क्लिक करते रहेंगे तो ये सैड के जो है बनते जाएंगे, इसके ऐड होते जाएंगे, राइट। तो देखिए, बिल्कुल इसका चेहरा बिल्कुल सैड हो रहा है, लिप अभी भी मूव कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल सैड वाले फीलिंग्स आ रही हैं। तो इसको अगर हैप्पी करना है यहाँ पे, तो इस किसी और की फ्रेम पे जाके इसको आप यहाँ से ऊपर हैप्पी की हेडिंग, देन जो है आप कोई भी प्रोफाइल यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये हैप्पी आ गया, इसकी आँखों में चमक आ गई, आँखों से भी देखें हैप्पीनेस नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बने बनाए कुछ की फ्रेम टेम्पलेट्स भी हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी एक्सप्रेसिवनेस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। डिटेल सेटिंग दोबारा वही पैनल खोल देगी, आप हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टैब है हमारे पास, ये ट्रांसफॉर्म, ये बिल्कुल तकरीबन उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पे अगेन चॉइस आपके पास आ जाती है। तो ये टाइमलाइन मैंने बहुत ज़्यादा जूम आउट की हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ माय होल सीन आउट देयर, ये इस तरह बोलता है। तो ये कैसे काम करता है, तो इसमें आपने जहाँ पर जाके ट्रांसफॉर्म लगाना है, ट्रांसफॉर्म का मतलब अगेन उसको छोटा बड़ा रोटेट वगैरह कर सकते हैं। आप लेट से इसकी आईज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इधर भी क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप यहाँ पे लेट से इसकी लेफ्ट आई मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले, तो मैं चाहता हूँ इसकी फ्रेम पे जब आए तो इसकी लेफ्ट आई जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक है, जिस तरह वो ड्रा रहा होता है। तो इसी तरह फिर इसी जगह पर इसी टाइम फ्रेम पर इसकी राइट आई भी जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो इसकी दोनों आईज़ के ऊपर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लग चुकी है, तो ये जब यहाँ से चल के आएगा तो इसकी दोनों आईज़ बड़ी हो रही हैं। तो फिर यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि आईज़ इसकी रीसेट हो जाएं, तो मैं यहाँ पे करूँगा जो चीज़ मेरी सिलेक्टेड है वो रीसेट हो जाएगी। तो रीसेट ऑल करूँगा तो सारी चीज़ें जो है वो रीसेट हो जाएंगी, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्म का एक फंक्शन मैंने लगाया कि यहाँ पर आके ये आईज़ बड़ी हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर आके ये जो हो रहा है दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ रही हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म है, आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। बैक हेयर हैं उसके, उसकी फ्रंट हेयर हैं उसकी, जो जो चीज़ें ये नज़र आ रही हैं आपको येलो येलो सी, इन सारों को सेलेक्ट करके आप इसकी ऊपर जो है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की लगा सकते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल इसी की तरह मिलता जुलता काम करता है डीफॉर्म। डीफॉर्म अगेन इसको टेढ़ा मेढ़ा करने वाला सीन है। तो आप यहाँ पे लेफ़्ट आई सिलेक्ट हुई पड़ी है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी डिफॉर्म भी हो जाए, अपनी ओरिजिनल शक्ल से हट जाए, तो यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म के साथ साथ डिफॉर्म भी हो रही है। तो एक ही आई सिलेक्टेड है, अगेन आप दूसरी आई को सिलेक्ट करके उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं, लेफ़्ट आई को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको भी मैं चाहता हूँ यहाँ पर आके ये डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, वो यहाँ पर आके डिफॉर्म हो जाए। तो जब ये बोल रहा होगा तो ये देखें आप ट्रांसफॉर्म और डिफॉर्म दोनों हो रही हैं। डिफॉर्म के ऊपर मैंने रीसेट नहीं किया, डिफॉर्म मेरी अभी तक वैसे ही है। यहाँ पे आके इसकी फ्रेम पे आके मेरी आईज जो हैं वो ट्रांसफॉर्म वाली ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन डिफॉर्म अभी भी है। मैं डिफॉर्म पे जाके रीसेट करूँगा तो सब कुछ डिफॉर्म रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा जो इसका नेचुरल शुरू वाला डिफॉल्ट पोज होगा उस पर आ जाएगा, ठीक है, जो सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। तो ये देखें ये यहाँ पे डिफॉर्म हो रहा है, फिर रीसेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की हरकतें कर सकते हैं, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है आप उसके मुताबिक पोजेस उसके फेस को छेड़ सकते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल एनिमेशन या सबसे ज़्यादा एनिमेशन जो होती है बॉडी के बाद
फेस के ऊपर ही होती है, बिकॉज फेस के जरिए ही आप इमोशंस जो है वो बताते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि ट्रांसफॉर्म के जरिए किस तरह आपने फेसेस, एक कैरेक्टर के फेस को आप डिफॉर्म या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।